सुन पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर यस लिखें। सीमा यस। बेटा व्हाइट बोर्ड पे लिख देती चाहे। चलो तो हम पढ़ाना शुरू करते हैं। मेरे जो याद है जहाँ तक कि 12.3 जो एक्सरसाइज है, इसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से प्रॉब्लम में पूछ रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो बेटा इसको निपटा देते हैं, फिर 12.4 या मिसलेनियस कह लो इसको, हम मिसलेनियस शुरू करते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को हम खत्म कर दें। कोई बात समझ नहीं आएगी तो मेरे से आप लोग जरूर पूछें, जरा सा भी इसमें हिचकिचाए ना पूछने में। तीसरे में इसने कहा है बिंदुओं -2, 4, 7, एक बिंदु है -2, 4, 7, ये इसको बेटा आपने ए से लिख दिया। दूसरा है 3 -5, 8, 3 -5, 8, ठीक है भाई दीपक सिंह, ठीक है, ओके ओके, मिटो दे भाई अपने को इसको लिखा हुआ, बोर्ड को जरा साफ भी रहने दो। ये आ गया बी, ये ए बी एक लाइन है। इसने कहा है ठीक है, ओके वेरी गुड। तो बेटा मैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा करा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान दें इस चीज को। तो इसमें क्या है, बिंदुओं -2, 4, 7 जिसको मैंने ए से लिखा, और 3 -5, 8 इसको मैंने बी से लिखा, को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड मिल गया बेटा ए बी, यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी होगी। अब ये कहता है इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, ठीक होगी यहाँ तक बात, वाई जेड तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात करो। बेटा ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन को विभक्त करना है, विभक्त का मतलब काटना है। बेटा एक लाइन को काटने का तरीका है, आप किसी बिंदु से भी काट सकते हो इसको। अब ये तो क्या हो गया भाई, ये है आपकी ए बी लाइन, ये अब ए बी लाइन को किसी एक बिंदु द्वारा भी आप काट सकते हो। मान लो हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया, इससे काट दिया, या फिर आप किसी प्लेन द्वारा भी इसको काट सकते हो। प्लेन द्वारा काटने का मतलब आपने चाकू से, या आपने किसी एक सीट से, या फिर आपने कोई रेक्टेंगल आयतनुमा एक सीट ले लिया आपने, उससे इसको काट दिया यहाँ से ऐसे। तो बेटा कटिंग तो किसी से भी हो सकती है। तो ये कह रहा है इसकी जो कटिंग हो रही है वो हो रही है वाई जेड प्लेन द्वारा, एक प्लेन ने इसको कट कर दिया ऐसे। तो बेटा जिस वाई जेड प्लेन ने इसको कट किया, तो ये जो वाई जेड प्लेन है आपका, इसने मान लो इसको एक पॉइंट मान लिया आपने पी, कि पी पॉइंट पर इसको कट कर दिया। आप नीचे लिखेंगे माना वाई जेड प्लेन द्वारा ए बी रेखाखंड को बिंदु पी पर काटा जाता है, और किस अनुपात में काटा जाता है बेटा, के अनुपात 1। ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि आप चाहे एम अनुपात एन ले लें या के अनुपात 1 ले लें, फायदा जो ज्यादा रहता है वो के अनुपात 1 में रहता है। तो बेटा पी ने ए बी को के अनुपात 1 में काट दिया। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई, बोलो बेटा जल्दी से समझ आ गई यहाँ तक की बात, अपने माइक को ऑन करके बोला करो यस। यस सर, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये कहता है कि इस पी के निर्देशांक का आप ज्ञात करो या अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात बेटा ये है कि ये जो पी है आपका, ये कहाँ है, वाई जेड तल द्वारा काटा हुआ, तो इसका मतलब वाई जेड तल पर है। और बेटा आप लोगों को पता है कि वाई जेड तल पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो वाई जेड तल पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ये बात मैंने जब चैप्टर शुरू किया तब बताया था। तो पी के निर्देशांक क्या होंगे, 0, b, c। अरे ये बात पता लगी 0 क्यों हुआ बेटा, ये बात पता लगी तुम लोगों को कि मैंने पी का कोऑर्डिनेट ए बी सी ना लेके मैंने क्या लिया है, 0। 0 पता लगा भाई क्यों हुआ, क्योंकि ये वाई जेड तल पर है, और वाई जेड तल पर एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0। वेरी गुड। तो अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि अनुपात 1 में इसने लिया। अब हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स वाले पे लगा दो,
क्योंकि x वाले में हमें जीरो दिया है। तो जीरो इज इक्वल टू, यानी x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो यानी k की जो मल्टीप्लाई है वो किस में होगी, तीन में। वन की जो मल्टीप्लाई वो किस में होगी, माइनस टू में। तो बेटा हमने इसकी मल्टीप्लाई शुरू की k इंटू थ्री, यानी थ्री के प्लस वन इंटू माइनस टू। तो ये हो गया सीधा, मैंने इसको माइनस टू ही लिख दिया है, माइनस टू और पूरे के अपॉन में आ गया k प्लस वन। तो बेटा k प्लस वन इधर जाके जीरो हो गया और k की जो वैल्यू आई आपके पास, k इज इक्वल टू टू बाई थ्री। तो हमारा जो अनुपात है वो k अनुपात वन है। तो बेटा इस k को k के अपॉन में वन लिख दें, तो ये k अनुपात वन कितना आ गया, टू अनुपात थ्री। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया सबके, ये कोई बात दोबारा पूछनी बेटा किसी को, सबको क्लियर होगी बात। चलो अब हम चलते हैं मिसलेनियस पर, विविध प्रश्नावली पर। तो बेटा विविध प्रश्नावली का अध्याय 12 मिसलेनियस। तो भाई मिसलेनियस एक्सरसाइज, अरे किसी ने करी बी का मिसलेनियस, बोलो बेटा यस और नो में आंसर दो मुझे, किसी ने करी मिसलेनियस अभी तक, किसने? अच्छा सुशांत, तुमने कर ली भाई मिसलेनियस एक्सरसाइज? अच्छा दो क्वेश्चन नहीं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम पूछनी तो प्रॉब्लम पूछ ले, उसके अकॉर्डिंग काम कर देंगे। अरे दीपक तुमने भी करी मिसलेनियस? नहीं की। चलो तो बेटा कोई बात नहीं, जिसने करी एक आध क्वेश्चन अच्छी बात है, जिसने नहीं करी वो भी अच्छी बात है। आज आज कर लेंगे ना सब बच्चे, ठीक है? तो मैं एक दो क्वेश्चन करा दूं इसके। देखो बेटा सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन करते हैं विविध प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर वन, समांतर चतुर्भुज के तीन शीर्ष। तो बेटा समांतर चतुर्भुज मुझे उम्मीद है सभी को पता है, ये समांतर चतुर्भुज। देखो बेटा मार्कर तो यहाँ है नहीं, मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, तो ध्यान दे थोड़ा, एडजस्टेबल रहना, और वीडियो जो चल रही है आपकी इसको रिकॉर्डिंग याद दिला दे दिया करो, वैसे मैंने लगा रखी रिकॉर्डिंग पे। तो बेटा ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, सभी बच्चों को पता है सीरियल से लिखते हैं, चाहे इधर से ए बी सी डी लिख दो आप ऐसे, या फिर ऐसे लिख दे ए बी सी डी। ये कहता है ए के निर्देशांक तीन माइनस एक दो। तो ए के जो निर्देशांक है तीन माइनस एक और दो, बी के निर्देशांक है एक दो माइनस चार, एक दो और माइनस चार, सी के माइनस एक एक दो, सी के माइनस एक एक और दो। तो पूछ रहा चौथे निर्देशांक डी के ज्ञात करो। तो बेटा डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप या तो इसके निर्देशांक का आप मान लो कुछ भी, आपने सपोज करो डी के निर्देशांक मान लिए ए बी सी। तो अब देखो यहाँ क्या फॉर्मूला लगाए हम ताकि ये आंसर आ सके हमारा। देखो बेटा इसके लिए काम करो, आप ए को सी से मिला दो, जब आप ए को सी से मिलाएंगे ये, और भाई बी से आप डी को मिला दो ये ऐसे। तो जब आप ए से सी को मिलाते हैं, बी से डी को मिलाते हैं, तो ये जो बेटा आता है इसको आपने मान लिया ई। तो ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु भी होगा और ई जो है बी डी का मध्य बिंदु भी होगा। अब एक तरीका तो ये है कि भाई ई जो है आप लिखें यहाँ से, ई सबसे पहले आप लिखें ए सी का मध्य बिंदु है। तो बेटा ई के जो निर्देशांक होंगे वो मध्य बिंदु के निर्देशांक, हमने फॉर्मूला लगा दिया एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, यानी थ्री माइनस वन अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू माइनस वन प्लस वन, यानी जीरो ही लिख दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सी टू प्लस टू अपॉन टू, टू प्लस टू अपॉन टू। तो बेटा ई के जो निर्देशांक आए आपके पास
तीन माइनस एक दो, दो से तो हो गया एक, जीरो और दो। और बच्चों ई के निर्देशांक सबकी समझ आ गए या कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी बोलो। जी सर। ठीक है जी सर। अब ई जो है बी डी का मध्य बिंदु भी है, तो आप लिखेंगे क्योंकि ई बी डी का भी मध्य बिंदु है, तो बेटा ई के जो निर्देशांक होंगे, जैसा ई का पहला निर्देशांक है वन, तो वन इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, बी डी का मध्य बिंदु ई है उसके अकॉर्डिंग, तो ई का जो निर्देशांक होगा वन इज इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन टू। हाँ भाई सबको क्लियर हुई है बात? सबको क्लियर हुई है बात? बढ़िया। प्रधानाचार्य जी कैसे हो? तो बेटा ऐसे ही आप, तो यहां से ए का मान निकल जाएगा, चलो अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है ई का, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू शेषान देवराड़ी क्या होगा? जीरो इज इक्वल टू, मैं तुम्हारे से पूछा करूंगा भाई, जल्दी बोलो, बी प्लस टू अपॉन टू। अब ई का जो तीसरा निर्देशांक है वो टू है, तो टू इज इक्वल टू, दीपक बताएगा क्या होगा टू इज इक्वल टू? दीपक है क्या, क्या कह रहा, कंफ्यूजन है? अरे तुमने ये चैप्टर थोड़ा गड़बड़ कर दिया शायद। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगला जो चैप्टर चलेगा आज, कल को नहीं चल जाएगा, सोमवार को, और पर्सनल नंबर पे भी मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा रोज, ठीक है? हाँ रोज करना है। तो बेटा तीसरा जो होगा टू, ई का जो तीसरा निर्देशांक है वो है टू, तो बेटा इस टू इज इक्वल टू जो होगा सी माइनस फोर अपॉन टू, सीमा यही होगा सी माइनस फोर अपॉन टू, सीमा यही होगा, तो ए बी सी आ जाएंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं रही अब। चलो त्रिभुज वाला खुद करना है भाई, किताब कॉपी और पेन अपने पास रखा करो। सेकंड क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, इसको खुद करना है। माध्यिका सबको पता है क्या होती है? अरे माध्यिका क्या होती है भाई? दीपक, एक त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? दीपक एक त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? चित्र बना के बता जरा बोर्ड पे। ठीक है ठीक है, तो माध्यिका की क्या पहचान है? बोलो बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ भी तो। दीपक हेलो। हाँ दीपक बोलो, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। भाई आवाज आई नहीं तुम्हारी, नेटवर्क कम है क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ बोलो बोलो भाई। चलो चल लिख दे इसमें ए बी सी करके कुछ। चलो अच्छा मैं बताता हूँ, देखो बेटा ये त्रिभुज ए है, बी है और सी है, माध्यिका एम है, तो एम जो माध्यिका है वो ए सी का मध्य बिंदु है, याद रखना आप, इसका मतलब ए एम डिस्टेंस और सी एम डिस्टेंस क्या होगी बराबर। तो माध्यिका के हिसाब से आप लोग दूसरा क्वेश्चन खुद करेंगे, तीसरा क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है? पांचवे का हिंट दिया है, चौथा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चौथा और छठा।
आप लोग क्वेश्चन नंबर चार देखें तो बेटा बीच में मैंने दूसरा तीसरा छोड़ा बस। वाई एक्स पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी बिंदु इतने से दूरी 5√2 है। तो बेटा वाई एक्स पर एक बिंदु है तो वाई एक्स पर एक बिंदु क्या होगा, ए भाई वाई एक्स पर है तो वाई एक्स पर ए की वैल्यू भी जीरो होगी, बी और सी की वैल्यू भी जीरो होगी। ये बात मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता लग जाएगा। भाई वाई एक्स पर जब हम चल रहे हैं तो एक्स और जेड दोनों क्या होते हैं, जीरो। तो हमने मान लिया, ऊपर आप लाइन लिखोगे कि माना वाई एक्स पर एक बिंदु ए इज इक्वल टू जीरो भी जीरो है। आगे बढ़ो, प्रश्नानुसार ये कह रहा है वाई एक्स पर एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु पी। बेटा एक बिंदु पी दिया है किताब के अकॉर्डिंग 3-2 5, 3-2 5। तो ये कहता है ए पी के बीच की जो दूरी है वो है 5√2। तो बेटा ए पी के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ आप, रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी b+2 का होल स्क्वायर, और बच्चों तीसरा आया आपके पास प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो 0 को हटा दिया, सीधा 5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू इसने दिया है 5√2। तो बेटा अब हमने क्या किया, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर आप वर्ग करेंगे रूट से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस b+2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको भी ब्रेक कर सकते हो या देख लो कि अब तक अभी कुछ बात बनी जाए, b+2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 × 2। तो अब आप इसको लिखेंगे, भाई अब तो ये द्विघात समीकरण बन गई, तो आप इसको खुद हल करके बी का मान ज्ञात कर लेंगे। जब बेटा बी का मान आपके पास आ गया तो ये जो ए निर्देशांक है ये आपका आ जाएगा, मान लो बी का मान 4 आ गया तो 040 इज रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो कोई बात पूछनी किसी को, ठीक है। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन और बता रहा था आपको, छठा देखो क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अगला जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग रोज ऐसे ही पढ़ोगे और मैं बोर्ड पे एक आध क्वेश्चन भी तुम्हारे से करा के देखा करूंगा। तो अभी आप इसको खत्म कर ले, आज सोमवार से शुरू करते हैं। छठा, यदि बिंदु ए और बी क्रम से है 3, 4, 5 और इतने हैं, आप बना लो भाई इनको सबसे पहले। तो ए जो है आपके पास छठे में 3, 4, 5, 3, 4, 5, इट इज ए। एक तरफ भाई बी दिया है इसने, बी दिया है छठे क्वेश्चन में इसने -1, 3 - 7, -1, 3 और -7। तो ये कहता है -1, 3, -7 है, चर बिंदु पी द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात करो। तो बेटा ये बी है और यहाँ एक पी है, तो कहीं भी अगर आपको समीकरण ज्ञात करनी हो या बिंदु पथ ज्ञात करना हो जिसका भी, तो बेटा उसके निर्देशांक हम मानते थे एक्स वाई जेड, भाई जेड चल गया खैर एक्स वाई जेड। तो हमने मान लिया, ये लाइन आप लिखोगे यहाँ, माना पी जो निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड है, और बल्कि तीन निशान लगाया करो पी के बाद, क्योंकि ये वो चल रहा है ना थ्री डी। तो माना पी के जो निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड है। अब इसने कहा क्या, प्रश्नानुसार यह दिया है, क्या दिया है प्रश्नानुसार, पी ए का होल स्क्वायर, पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर और बराबर आ गया आपके पास के स्क्वायर, जहाँ के अचर है। तो बेटा पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो पी ए का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पी ए का मतलब ये दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया रूट, तो बेटा रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो पी ए का आ गया आपके पास एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी y-4 का होल स्क्वायर और प्लस z-5 का होल स्क्वायर
जेड माइनस फाइव का होल स्क्वायर और प्लस, तो बेटा ये पूरा पी ए का होल स्क्वायर लिखा गया प्लस अब पी बी का होल स्क्वायर, तो भाई पी बी जो है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ है आपके पास जेड प्लस सेवन का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो बेटा कर दोगे इसकी कैलकुलेशन, क्या कोई दिक्कत आएगी भाई किसी को? बोलो, कॉपी पेन ले रखा सबने अपने पास? करो जरा इसको सॉल्व अभी, कॉपी पेन सॉल्व करके उसका फोटो खींच के भेजो मुझे अभी, और ये ऑन रहने दो, इसको इसको चालू रहने दो, इसको बंद मत करना। संडे 9 PM 9 बजे रात को एक गेम होगा कहूट, सभी बच्चे नोट कर लें, संडे यानी कल रात को 9 बजे एक गेम होगा कहूट, मैं बताऊंगा कैसे कैसे खेला जाएगा, तो उसके लिए आपको कुछ ऐप डाउनलोड नहीं करना, एक टॉपिक तैयार कर लेना बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है बेटा? द्विपद पर में, मैं चैप्टर का नाम भी बता रहा हूँ क्या है, इतना आप लोग इसकी कैलकुलेशन करो। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 करो बेटा इसकी कैलकुलेशन सभी, और भेजो मुझे फोटो फिर। बोलो, क्लास क्लास नहीं, तुम लोग फ्री हो जाते हो किस टाइम? फ्री होते हो तुम लोग? मैंने तो इसलिए रखा 9 बजे का टाइम, खाना खुना खा के सब बच्चे फ्री हो जाते होंगे 9 बजे, क्योंकि 12वीं के बच्चे भी होंगे ना इसमें। गेम है 15 मिनट का गेम है बस, ये गेम ऐसा है इसमें पढ़ाई के साथ साथ, जैसे एक प्रश्न है उसके 4 विकल्प होंगे, आपको सही चुनना है, फिर देखते हैं किसका स्कोर सबसे ज्यादा आएगा। बाइनोमियल थ्योरम तैयार कर लेना सभी बच्चे, अगर कल हम सक्सेस रहे इस गेम को खेलने में तो फिर मैं और भी बनाऊंगा, ताकि संडे टू संडे उन्हें खेला करेंगे। अभी आप इसको कैलकुलेट करें, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। हाँ 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 बिल्कुल, देखो सुनो, मेन क्या है ना, मेन तो हमें पढ़ाई ही करनी है, बस हमें तरीका ढूंढना है कि कैसे हमारे दिमाग को ये लगे कि ये बोझ नहीं है, ये खेल है, ठीक है? करनी हमें पढ़ाई हर हाल में, बस ये है कि हमारे दिमाग को ऐसा ना लगे कि बर्डन बढ़ गया। अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हो ना कॉपी में सभी बच्चे? करो,
हुआ। Why are you doing that?